फ्रेंड्स वेलकम टू मैथ्स क्लासेस आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्यूब क्यूब फाइंड करने की सबसे अच्छी ट्रिक जिसमें अपन पाँच सेकंड के अंदर किसी भी डिजिट का क्यूब फाइंड कर सकते हैं पिछली वाली डिजिट पिछली वाली जो वीडियो था उसमें क्या था आपने स्क्वायर और स्क्वायर रूट फाइंड किया था स्क्वायर फाइंड करने की स्क्वायर की कितनी पावर होती है दो पावर होती है टू पावर होती है तो उसके लिए कितनी थी अपने पास ट्रिक उसके अंदर अपने पास दो स्टेप्स थी इसके पास इस है इसमें है क्यूब क्यूब में कितनी स्टेप्स है तीन स्टेप तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए आपके लिए एकदम ईजी ट्रिक लेके आया हूँ जैसे आपको पता है वन का क्यूब कितना होता है वन होता है अब वन का क्यूब फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो वन मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई क्या वन इज इक्व टू वन टू का क्यूब करने के लिए टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू तो फोर टू 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 जीरो टू टू फोर कितना हो गया एट ये करते हो लेकिन चलो टेंथ तक तो आपको याद रखनी पड़ेगी टेंथ तक तो आपको याद रखनी पड़ेगी टेंथ के बाद में अगर आपको चलो वन का कितना होता ट्वेंटी सेवन फोर का सिक्सटी फोर फाइव का वन टू फाइव सिक्स का टू वन सिक्स सेवन का थ्री फोर थ्री एट का फाइव वन टू नाइन का सेवन टू नाइन टेन का थाउजेंड 10 अब सेम आपके लिए ट्रिक लेके आयु अच्छे से देखना अपने पास एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपके लिए एग्जाम्पल ले रहा हूं जिसका कितनी पावर है जिसकी पावर है टू सॉरी जिसकी पावर थ्री क्यूब के लिए ले रहे हैं ना तो ट्वेंटी थ्री की पावर कितनी है थ्री इसमें सबसे पहले देखना ये अपने पास दो डिजिट है फर्स्ट टू है सेकंड क्या है थ्री तो पहले क्या करोगे जो फर्स्ट डिजिट डिज डिज है उसका क्यूब लोगे क्या है जो फर्स्ट डिजिट है उसका क्यूब लोगे तो टू का क्यूब हमने कितना होता है एट चलो अच्छा फिर किसका लोगे थ्री जो सेकेंड डिजिट है उसका क्यूब लोगे उसका क्यूब कितना होता है थ्री का क्यूब कितना होता है ट्वेंटी सेवन फिर क्या करोगे अगली स्टेप देखना सी के अंदर टू टू का स्क्वायर इन इसकी अगली वाली डिजिट क्या होगी इसमें मल्टीप्लाई टू का स्क्वायर कितना होता है फोर फोर को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेल्व सेम इसमें इसमें क्या होगा टू मल्टीप्लाई अगले वाले का स्क्वायर का स्क्वायर क्या, 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 क्या होता है डबल ट्वेंटी फोर एटीन का कितना होगा थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स होने के बाद क्या करेंगे इनको एडिशन क्या करेंगे इनका एडिशन ट्वेंटी सेवन के नीचे कोई डिजिट नहीं है तो ट्वेंटी सेवन का ट्वेंटी सेवन एट प्लस सिक्स फोरटीन के री वन थ्री वन फोर फाइव यहाँ कितना हो जाए फोर टू सिक्स टू वन थ्री एट इज इट इज उसके अगली वाली स्टेप्स क्या है लास्ट एकदम इजी स्टेप सब में से एक एक डिजिट लेंगे अपन कैसे इसमें से फर्स्ट डिजिट लो बच गया क्या टू टू इसके फोन में फाइव फोर टू सिक्स फिफ्टी सिक्स यहाँ क्या एक डिजिट लेंगे प्लस फाइव क्या करेंगे अगली वाली में ऐड करेंगे सिक्स प्लस वन इलेवन वन फोर्टी वन फोर्टी वन का वन लेंगे अब यहां कितना बच गया फोर ये कितना हो गया ट्वेल्व है तो इसका आंसर कितना आया कोई आपको पूछेगा ट्वेंटी थ्री क्यूब का आंसर कितना आया वन टू वन सिक्स सेवन ठीक है आया समझ में चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं नहीं समझ में आया तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं आपके लिए एग्जाम्पल टू वीडियो अंत तक जरूर देखें बहुत इजी इजी ट्रिक्स बता रहा हूं इसमें 45 का क्यूब किसका क्यूब 45 का क्यूब तो अपने पास क्या था पहले जो फर्स्ट डिजिट है फर्स्ट डिजिट है उसका क्यूब तो इधर देखना कितनी है फोर है फोर का क्यूब कितना होता है सिक्सटी फोर फिर क्या है सेकेंड डिजिट का क्यूब तो सेकेंड कितनी है फाइव तो फाइव का क्यूब कितना होता है वन ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी फाइव फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर सेकेंड डिजिट मल्टीप्लाई फोर फोर जाए सिक्सटीन सिक्सटीन इंटू फाइव कितना हो गया एट्टी सेम एज इट इज फाइव का स्क्वायर ठीक है। फोर इनका डबल करो वन 100 का टू हंड्रेड फिर अगली स्टेप्स क्या थी अपनी एडिशन का ना इसके नीचे कुछ नहीं है वन टू फाइव जीरो जीरो थ्री यहाँ कितना जीरो एट सिक्स कितना हो गया फोर्टीन केरी वन तो कितना हो गया टू यहाँ कितना सिक्सटी फोर टू फोर्टी थ्री हंड्रेड और वन ट्वेंटी फाइव फिर अगले स्टेप्स क्या थी अपनी सब में से एक एक डिजिट लेनी है 125 में क्या लोगे आप एक डिजिट लोगे तो एक डिजिट क्या लोगे फाइव अगला कितना है ट्वेल्व ट्वेल्व लोग क्या करोगे अगली वाली में ऐड करके देख लो थ्री वन ट्वेल्व हो गया अब इसमें भी वन डिजिट लेनी है आपको टू अब बचा क्या थर्टी वन अगली वाली में एड करो वन कितना हो गया टू अब सेवनटी में से भी कितना लोगे वन अब सेवनटी वन में से वन ले लिया तो बच्चा कितना ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन एट करोगे कितना हो गया इलेवन और नाइन्टी वन तो कितना हो गया नाइन्टी वन वन टू फाइव आया जी अब आप पूछोगे कि ये क्यूब निकालेंगे कहाँ क्यूब अपन को सीधा तो दिया होगा है नहीं तो क्यूब निकालेंगे कहाँ हम उसके लिए ये ट्रिक कहाँ यूज होगी ये ट्रिक होगी कंपाउंड इंटरेस्ट में जहाँ हम निकालते हैं कि इतने पैसे दिए हमने इतने महीने के लिए दिया उसका टाइम दे रखा होगा जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है पी वन प्लस हंड्रेड का टी अब टाइम आपको दे दिया कि हमने तीन साल के लिए दिया है तो उसका क्या निकालोगे क्यूब अगर यही टाइम दो साल के लिए दिया होता तो क्या होता है उसका स्क्वायर जैसे आपके पास आ गया एग्जाम्पल देख इसमें मान लो फिफ्टीन अपॉन हंड्रेड का क्यूब आपके पास आ गया क्यूब, तो क्यूब 17 17 17 तो मल्टीप्लाई आप, 17 17 करोगे फिर उसके अंदर टेबल भी आनी चाहिए आपको पूरी फिर सेवनटीन को वापस सेवनटीन से मल्टीप्लाई करोगे उससे भी अच्छा तरीका आपका सीधा सा ट्रिक क्या करोगे ट्रिक के अंदर पहले का क्यूब सेकेंड डिजिट का भी क्यूब फिर, फिर फर्स्ट का स्क्वायर इंटू सेकेंड डिजिट फिर सेकंड का स्क्वायर प्लस फिर इसका इसमें क्या हो जाए सेकेंड स्टेप डबल हो जाएगी और एट हो जाएगा फिर एक एक डिजिट सब में से ले लेनी है तो ये ट्रिक यूज़ आएगी एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कहा यूज आएगी कंपाउंड इंटरेस्ट में सेकेंड आएगी मैं में जहां आपको के लिए दे दिया फोर अपॉइंट थ्री पाई आर क्यूब रेडियस आपको सेवन दे दी तो सेवन का क्यू फाइंड करना है तो सेवन का क्यू हमने तो निकाल रखा है थ्री फोर्टी थ्री आपको भी याद हो जाएगा ये टेबल से याद हो जाएगा अगर आपको यही आ, रेडियस आपको 50, मतलब 60 दे दिया तो आप सिक्सटी को मल्टीप्लाई करते रहोगे को या, या 60 तो फिफ्टी सेवन का दे दिया तो फिर फिफ्टी सेवन और फिफ्टी मल्टीप्लाई करते रहोगे आपको सीधा सा मेथड दे रखा ट्वेंटी फाइव का भी दे दिया एग्जांपल फिफ्टीन का मान लो किसी का भी हो सबसे इजी तरीका है अपना ये वाला मल्टीप्लाई करने वाले में क्या होगा आपको टेबल आनी चाहिए मल्टीप्लाई करने वाले में अब आपको एक एक एग्जांपल एग्जांपल और और लेते लेते हैं हैं आपके लिए एक हो लेते, 96 का क्यूब आप सोच रहे मल्टीप्लाई अब मेरे साथ करना आप मल्टीप्लाई करके देखना मैं ऐसे इसी तरीके से कर रहा कराऊ कि सबसे ईजी किसका रहता है नाइन का क्यूब कितना है अपने पास सेवन टू नाइन टेन का क्यूब याद होने के बाद में आप किसी भी क्यूब किसी का भी क्यूब निकाल सकते हो तो नाइन का क्यूब कितना आपके पास सेवन टू नाइन ठीक है नाइन का क्यूब सेवन टू नाइन है फिर सिक्स का कितना है अपने पास टू वन सिक्स आपको समझाते हुए कर रहा हूं नाइन का क्यूब सेवन टू नाइन है तो सिक्स का कितना है टू वन सिक्स फिर क्या करोगे नाइन का स्क्वायर इंटू सिक्स यहां किसका सिक्स का स्क्वायर इंटू नाइन तो नाइन फोर एटी सिक्स ये हो गया फोर एटी सिक्स ये कितना हो गया थ्री टू फोर अब इसका डबल कितना हो जाएगा थ्री हंड्रेड सिक्सटी सिक्स हंड्रेड फिर इसका फोर फो तो टू एट इसका हो जाएगा नाइन सेवनटी टू क्या करोगे फिर एड करोगे टू वन एच जी टीज एट फोर ट्वेल्व के वन सिक्स सेवन सिक्स थ्री नाइन ये कितना हो गया सिक्स टू एट एट सेवन फाइव फिफ्टीन नाइन टेन फोर्टीन यहाँ कितना होगा सेवन टू नाइन एच ईटीज़ अब क्या करोगे एक एक डिजिट लेनी है आपको तो क्या लेनी है एक एक डिजिट लेनी है आपको यहां से क्या आ जाएगा सिक्स क्या आ गया चलो आंसर से यहाँ लिखते हैं इसका यहां से क्या आ गया सिक्स तो बचा कितना ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन ऐड कर देंगे थ्री यहाँ सेवन टू नाइन और ये कितना हो गया नाइन अब नाइन का कितना लोगे थ्री लोगे नाइन्टी नाइन एज इट इज आगे एड कर दोगे तो नाइन्टी नाइन ऐड करोगे तो ये कितना हो गया सेवन ये कितना हो गया फाइव ये हो गया फिफ्टीन ठीक है अब फिफ्टीन में से क्या लोगे आप सिर्फ सेवन लोगे 7, अब अच्छा क्या एट तो ये कितना होगा एट एट फोर सेवन थ्री सिक्स ठीक है एट एट फोर सेवन थ्री थ्री तो आपको क्यूब स्क्वायर में आपको कितनी स्टेप्स थी सोल्व करने की सिर्फ दो स्टेप्स थी मल्टीप्लाई करोगे तो गलत भी हो सकता है और क्यूब में कितनी स्टेप्स है आपके पास सिर्फ तीन स्टेप्स है जिसमें सबसे पहले क्या करना है आपको सबसे पहले जो फर्स्ट डिजिट है उसका क्यूब फिर सेकंड डिजिट का क्यूब फिर जो फर्स्ट का स्क्वायर इंटू सेकेंड का फिर सेकंड का स्क्वायर इंटू फर्स्ट को मल्टीप्लाई फिर जो जिसको स्क्वायर करके मल्टीप्लाई किया आपने उसका क्या करेंगे डबल करेंगे और उसको एड करेंगे उसको एड करने के बाद जिसकी फर्स्ट डिजिट लेंगे ठीक है तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछे अगले ट्रिक्स अगले जो वीडियो है उसमें अपन क्यूब रूट फाइंड करना देखेंगे ठीक है थैंक यू